गाइस, इसरो ने GSLV F2R रॉकेट लॉन्च कर दी है। ये रॉकेट आज 29 मई को 10:42 में लॉन्च किया गया था। और इसरो ने ये रॉकेट क्यों लॉन्च किया, ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। दरअसल GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके नाम में ही इसका काम छुपा हुआ है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है गाड़ी। GSLV रॉकेट का काम होता है किसी भी चीज को लेकर जाने वाला, सैटेलाइट को लेकर जाने वाला। GSLV रॉकेट बहुत ही पावरफुल रॉकेट होता है। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर घूमता है। जब इसे लॉन्च किया जाता है तो ये 3 स्टेज में अपना काम पूरा करता है। पहले और दूसरे स्टेज में कम पावर की जरूरत होती है, लेकिन तीसरे स्टेज में बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत होती है। यही कारण है कि सभी GSLV रॉकेट में क्रायोनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल इंजन होता है। GSLV रॉकेट की एक खास बात यह है कि यह एक साथ 2-3 सैटेलाइट यानी कि उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाकर एक निश्चित दूरी पर स्थापित कर देता है। इसरो ने अब तक 13 GSLV रॉकेट लॉन्च किए हैं और इन सभी में क्रायोनिक इंजन का इस्तेमाल किया गया था। GSLV क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या काम करता है, ये आप जान चुके हैं। अब बात करते हैं इसरो द्वारा लॉन्च किए गए GSLV F2R और NBS-01 के बारे में। आपको बता दें कि इसरो ने GSLV F2R को श्रीहरिकोटा के दूसरे लॉन्च पैड से लॉन्च किया था। इस रॉकेट ने 2232 किलोग्राम के सैटेलाइट को लगभग 251 किलोमीटर की ऊंचाई पर GTO में स्थापित किया। इस सैटेलाइट का नाम NBS-01 है, जो दूसरी पीढ़ी का नेविगेशन सैटेलाइट है। दरअसल GSLV F2R NBS-01 नेविगेशन पेलोपोड L1 L2 और S-बेड लेकर गया है। साथ ही इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रूबिडियम परमाणु घड़ी भी है। दिलचस्प बात यह है कि ऐसा पहली बार है जब स्वदेशी रूप से विकसित रूबिडियम परमाणु की घड़ी का उपयोग किया जा रहा है। ये घड़ी अहमदाबाद स्थित अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने विकसित की है। इसरो के अनुसार ये एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ कुछ ही देशों के पास है। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि NBS-01 क्या है और ये क्या लेकर के अंतरिक्ष में गया है। आइए अब जानते हैं कि इसरो ने NBS-01 प्रणाली क्यों बनाई। दरअसल इसरो ने विशेष रूप से सैन्य आवश्यकताओं के संबंध में देश की स्थिति, नेविगेशन और समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए NAVIC प्रणाली विकसित किया है। वैसे आप इसरो के इस रॉकेट लॉन्च के बारे में क्या कहना चाहेंगे, अपने राय कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें।